Friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, अभी मैं निकला हूँ सोलापुर से, निकला हूँ मतलब घर जाने के लिए towards करजत, और जाते जाते on the way मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे if we are really lucky हमें पूरा एक समुंदर देखने मिलेगा pink color का, pink या red color का. बस अभी इतना ही बताता हूँ, आगे आगे आपको पता चलेगा कि और क्या है उसके बारे में. बट आई कैनॉट एश्योर, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ेगा अगर हमें वो समुंदर देखने को मिलने वाला है. बट वेदर और नॉट वो समुंदर देखने मिले या ना मिले, लेकिन ऑरेंज कलर का प्यारा सा स्काई आपको ज़रूर देखने मिलेगा, बिकॉज उसी जगह से सनसेट भी बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है. चलो आज वैसे तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने का मूड नहीं है, तो बता ही देता हूँ कि जाते जाते मैं भिगवन में एक जगह पे जाने वाला हूँ जहाँ पे इट इज़ पॉसिबल कि हमें शाम के टाइम पे बहुत सारे फ्लेमिंगोज देखने मिल जाए, और उसके अलावा बहुत सारे चिल वाइब सिनेमैटिक शॉट्स, ड्रोन शॉट्स, 360 शॉट्स, एवरीथिंग, बहुत कुछ आएगा. तो अगले 7-8 मिनट, 10 मिनट जो भी ये व्लॉग बनता है, एंजॉय करो, चिल करो, एकदम रिलैक्स करके देखो. यू नो वॉट, इट्स नॉट इवन 1 आवर, अभी एक्जैक्टली 3 बज रहे हैं इस घड़ी में, मतलब 2:50 एक्चुअल, और ये टोल प्लस आ गया मतलब 69 किलोमीटर्स आ गया सोलापुर से. सो यू कैन इमेजिन आई एम डूइंग क्वाइट अ गुड स्पीड, स्टिल आई एम स्वेटिंग, पूरा जैकेट के अंदर ये चेस्ट पार्ट और पूरा थाइज़ का एरिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से पूरा स्वेटिंग हो रहा है, हेलमेट के अंदर भी स्वेटिंग हो रहा है. इट्स हॉट हॉट हॉट. बट वन गुड थिंग अबाउट दिस बाइक, अभी तक इतनी गर्मी में भी मुझे पैरों पे इंजन हीट नहीं पता चल रही है. इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल डाउन देयर, शी इज़ कूल इन दिस हीट. रेडबुल का खून ठंडा है, गर्म नहीं है, अच्छी बात है अपने लिए. अभी अपना जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 55 या 60 किलोमीटर बाकी है, और सनसेट का जो टाइम है वो है अराउंड 6:40 का. तो उससे पहले बाकी सब शूट करना और वो फ्लेमिंगोज वगैरह के लिए, मतलब 5 बजे के आसपास मुझे पहुंचना है वहाँ, 5 से पहले पहुंच के कोई काम नहीं है. तो अपने पास अभी 1.5 घंटा है, सिर्फ 55 किलोमीटर जाना है. तो आई थॉट कि चलो गन्ने का रस पीते हैं रुक के. पूरे इस सीज़न में, मतलब अप्रैल आ गया, अभी तक एक बार भी गन्ने का जूस पिया नहीं है, तो हो जाए. अरे लुक एट दिस, दे हैव अ इलेक्ट्रिक मशीन हियर. जूस निकालने का जो पुराना चलता था इस पे, या तो डीजल मोटर पे या पेट्रोल पे या केरोसिन पे, उसकी जगह इनफैक्ट एकदम ऑथेंटिक पुराना जो होता था वो तो बैलों पे चलता था, ऐसे बैल बांध के वो ऐसे गोल घूमते थे इसके. अभी इलेक्ट्रिक पे आ गया, लेकिन जस्ट टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी, सबसे अच्छा जुगाड़ जो है ना तो यहाँ पे नहीं है. सबसे अच्छा जुगाड़ जो मुझे दिखा ना वो इधर है. लुक एट दिस, आई विल शो यू इन द फोन. इसको ऑथेंटिक फील देने के लिए उन्होंने ये ऊपर लगा के रखा है, जिससे खाली वो घुंघरू बांधे हुए हैं और वो घूम रहा है, आवाज़ कर रहा है. नीचे इस मोटर को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, मतलब दूर से अगर आप देखोगे तो वो ऑथेंटिक लगेगा. बाय द वे, दिस इज़ प्योरली ऑर्गेनिक, इसमें ना बर्फ़ है ना कुछ, सिर्फ गन्ने का जूस, 100% प्योर. चीयर्स. चलो निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम नहीं हुआ एक्चुअली, इट्स ओनली 3:40, मतलब 15 मिनट ही रुका हूँ मैं, नॉट डैट कि बहुत टाइम रुका हूँ, लेकिन चलते हैं आगे कहीं पे अगर
ड्रोन शॉट्स लेने के लिए रुकने का मन हुआ तो उसमें टाइम जाएगा, लेकिन ये जुगाड़ बहुत पसंद आया मुझे, घुंघरू वाला। दूर से ऐसा फील होता है वही मोटर चल रही है, नज़दीक आके देखो यार उधर से तो आवाज़ नहीं आ रही, कहीं और से ही आ रही है, एक नंबर। चलो, आई ऑलवेज लव ड्राइविंग ऑन दिस पैच। इंदापुर बाईपास का ये जो स्ट्रेच है ना, इट फील्स रॉयल। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं सच में एक वर्ल्ड क्लास हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। इतना ब्यूटिफुल रोड बना हुआ है विद ऑल द डिवाइडर एंड ऑल दैट, दोनों साइड में सर्विस रोड्स, सब ब्रॉड स्प्रेड, बहुत सही लगता है। वैसे अभी गन्ने का जूस पी के निकलने के बाद मुझे वापस रुकना पड़ा 2 मिनट के लिए, क्योंकि सूर्य देवता जो कहर बरसा रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड है वो, बरपा रहे समथिंग, जो भी है, मतलब भावना पोचल्या ना तुमच्यापर्यंत ते महत्त्वाचं आहे। सो मेरे नाक में से थोड़ा थोड़ा खून बहने लगा था, नॉट दैट दुनियादारी टाइप, स्वप्निल जोशी नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मॉइस्ट फील हो रहा था। तो रुक के थोड़ा पानी लगाया, थोड़ा ठीक होने के बाद निकल पड़ा फिर से। सो इट्स दैट काइंड ऑफ हॉट अभी, और पूरा अप्रैल और पूरा मई का महीना जाना है, जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द सिचुएशन इन द मंथ ऑफ मई। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं भिगवन। अभी यहाँ से अपने को लेना है राइट टर्न, और राइट में कुछ 6-7 किलोमीटर अंदर जाना है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पुणे साइड तो आपको भिगवन से लेफ्ट लेना है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। गूगल मैप्स में ऐसे ही रैंडमली स्क्रोल करते वक्त मुझे दिखा था कि ये उजनी डैम का जो बैकवाटर्स है, इसमें ऐसे पानी के बीच में एक वाइट लाइन है लंबी सी, उसको वहीं पे गूगल मैप्स में स्केल लगा के देखा तो 2.5 किलोमीटर्स दिख रहा था। आई वॉज लाइक 2.5 किलोमीटर पानी के बीच में से जो भी हो जाके देखना है, एंड हियर आई एम। अभी अपना नसीब उतना अच्छा नहीं है फ्लेमिंगोज़ के बारे में, बिकॉज एज इट टर्न्स आउट यहाँ पे मैंने पूछा, ये जो लोग फिशिंग कर रहे थे ना वहाँ पे, उनको पूछा, दे सेड कि इस साल ज़्यादा फ्लेमिंगोज़ आए नहीं है। टोटल उजनी बैकवाटर्स में 40 फ्लेमिंगोज़ आए। तो अभी वो 40 फ्लेमिंगोज़ इतने बड़े पानी में कहाँ स्कैटर्ड होंगे, उनको तो ढूंढ नहीं सकते। तो वॉज बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट इन दैट रिगार्ड, लेकिन ये प्लेस, यहाँ के जो ड्रोन शॉट्स मिले, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। एनीवेज, अभी बजे है 5:30, तो सनसेट के लिए अभी और 1 घंटा बाकी है। अभी भी सनसेट में थोड़ा टाइम है, 6:15 हो रहे हैं, तो थोड़ा रुकते हैं, चाय पी लेते हैं। यहाँ पे जैगरी टी, गुळाचा चहा मिळतो इथे, गुळाचा चहा बंद आहे, नानाची टांग या चहाच्या। चला, हे म्हणतात याला नशीब। कहते ना कभी कभी अपना दिन नहीं होता,
शायद आज वही दिन है जो अपना नहीं है। यहाँ पे रुका था मैं, सोचा सनसेट हो रहा है, ड्रोन फ्लाई करूँगा, मस्त एरियल शॉट्स लूँगा। दोनों तरफ रोड के पूरे गन्ने के खेत है, इट्स लुकिंग प्रीटी ऑसम। और देखो तो सूरज कितना सुंदर दिख रहा है सामने, क्लियर एकदम सनसेट का व्यू है। लेकिन हवा चलने लगी, लुक एट दैट, इतनी तेज हवा चल रही है कि ड्रोन फ्लाई करने का मुझे मतलब प्लान ड्रॉप ही करना पड़ा। पता है मुझे कि इतने विंड में फ्लाई कर ही नहीं पाऊंगा मैं। एक तो अपना ड्रोन छोटा सा है, मैविक मिनी, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अभी आपको सनसेट भी गोप्रो में ही दिखाना पड़ेगा। यार दो चीज़ें दिमाग में लेके निकला था सोलापुर से, या तो फ्लेमिंगोज देखूंगा दिखाऊंगा, या फिर सनसेट देखूंगा और दिखाऊंगा। ना फ्लेमिंगोज मिले ना सनसेट मिला, सिर्फ राइड मिला। हाँ लेकिन वो फ्लेमिंगोज वाला प्लेस अच्छा था, नो डाउट। वहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे जो नज़ारे देखने मिले वो सही थे। इट सीम्स लाइक पुणे में कर्फ्यू का रूल्स थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट किए हैं। 6 PM को सारे शॉप्स बंद हो रहे हैं, एंड राइट नाउ इट इज़ 7:30 एंड इट्स एक्चुअली एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, सब बंद है। 3 जगह पे अभी तक चेकिंग मिला मुझे, स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रहा है, पुलिस इंक्वायरी कर रहे हैं कहाँ से आए, किधर जा रहे हो, क्यों घूम रहे हो। मैंने बताया कि सोलापुर से आया, मुंबई जाना है। एक्चुअली ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि ये बाइक अपनी MH 12 है ना, तो उसको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो ऑल इन ऑल कोविड 2.0 इज़ ऑन। क्या कर रहा है यार कोविड, ये 2020 ख़त्म करके वेस्ट करके काफ़ी नहीं हुआ क्या, वापस 2021 भी बेकार करने आ गया यार। ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, खंडाला पहुँच गया हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मतलब आज के दिन में जितना भी प्लान किया था, जो भी प्लान किया था, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पहुँचते ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस ब्लॉग को यही नाम देना है जो आपने देखा ना, इट वॉज़ नॉट माई डे। आज के पूरे दिन में एक भी चीज़ जो प्लान की थी उसके हिसाब से हुई नहीं है। सो अभी दोपहर को 2 बजे से रात के 9 बजे तक अगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है तो यहाँ से आगे क्या होगा। अभी आधा घंटा बचा है घर पहुँचने को, अभी यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं। आई नो इस ब्लॉग में मैं कुछ भी आपको अच्छा दिखा नहीं पाया हूँ, एक्सेप्ट फॉर दैट प्लेस जहाँ पे ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए थे, एंड क्वाइट पॉसिबली इसके बाद आप जो नाइटस्केप देखोगे ब्लॉग के क्लोजिंग के टाइम पे, शायद वो अच्छा मिल रहा है, गोप्रो में शूटिंग चल रहा है अभी, शायद वो अच्छा आएगा। तो आई कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू गाइज, लेकिन बाई एनी चांस आपको इस ब्लॉग में कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अगर नहीं लगा हो तो मत करो, आई वोंट से एनीथिंग। लेकिन अगले ब्लॉग के लिए वापस ज़रूर आना, नोटिफिकेशन बेल अगर दबाया नहीं है तो एक्टिवेट करके रखना, क्योंकि जब ब्लॉग पब्लिश होगा तो आपको पता चलना चाहिए ना। विद दैट सेड इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन नाइटस्केप प्ले करके, ये नाइटस्केप जो है ना, नाइट लैब्स जो लिया है वो तो आपको दिखाना है मुझे, तो इस नाइट लैब्स के बाद ब्लॉग ख़त्म होगा और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।